महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का नाश हो जाता है। कौरवों के नाश का सबसे बड़ा दोषी गांधारी ने श्री कृष्ण को माना और ये श्राप दिया, जिस तरीके से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी तरीके से एक दिन श्री कृष्ण तुम्हारे भी वंश का नाश हो जाएगा, यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों के साथ प्रभास क्षेत्र द्वारका आकर निवास करने लगते हैं। उसी बीच सभी मदिरा के नशे में चूर होते हैं और प्रभास नदी के किनारे सभी में विवाद छिड़ जाता है और श्री कृष्ण के मित्र साहित्यिक के इस कृति वर्मा का सर धड़ से अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगते हैं और इस लड़ाई में साहित्यिक और श्री कृष्ण के पुत्र प्रधुमन मारे जाते हैं और यदुवंशियों का अंत हो जाता है। फिर श्री कृष्ण वहाँ से उठकर अलग चले जाते हैं और एक वन में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो जाते हैं और वहाँ से एक आवाज़ दूर खड़े बहेलिया के पास जाती है। उसको लगता है उस सामने की तरफ कोई हिरण है और वह हिरण पर तीर चला देता है, लेकिन वहाँ श्री कृष्ण ध्यान में लीन होते हैं और वह तीर श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लग जाता है और श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि ये बहेलिया कोई और नहीं त्रेतायुग का बाली था, जिसे श्री राम ने छुपकर बाण मारा था और बाली की मृत्यु हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला रचा द्वापर युग में कि त्रेता युग में जिस तरीके से बाली को भगवान राम ने छिपकर मारा था, उसी तरीके से द्वापर युग में बहेलिया यानी बाली अनजाने में हिरण समझकर बाण चलाएगा तो श्री कृष्ण को जाकर लगेगा और वह वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक बहेलिया के द्वारा हो जाती है, जो पूर्व जन्म में बाली था। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।